करीब 20 घंटों में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने यह जंग जीत ली है। स्वस्थ हुए मरीजों को रतलाम मेडिकल कॉलेज से उपचार के बाद स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। गुरुवार की शाम मेडिकल कॉलेज से 5 मरीजों को स्वस्थ होकर निकलने पर कलेक्टर रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज डीन संजय दीक्षित ने शुभकामनाएं दी। यहां से गए मरीजों में ग्राम मावता के अलावा लोहार रोड, दीनदयाल नगर, शेरानीपुरा के मरीज शरीक थे। शुक्रवार दोपहर फिर 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिनमें जावरा की 2 महिलाएं तथा टाटा नगर की बालिका है। इसी के साथ ही गत दिनों कोरोना पॉजिटिव गर्भवती नयापुरा निवासी प्रसूता तथा उसके नवजात को भी स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। प्रशासन ने महिला की प्रसूति विशेष व्यवस्थाओं के साथ कर जच्चा एवं बच्चा को कोविड हॉस्पिटल में विशेष देखभाल कर उपचार किया था। नवजात शिशु की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। स्वस्थ हुए मरीजों का उत्साहवर्धन करने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी तथा डीन संजय दीक्षित मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। लगता है नियम और कानून का पालन करवाने वाले धर्म और संस्कार से कहीं बड़े हो गए हैं, जो मानवीयता और संवेदनशीलता को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। गुरुवार को जावरा से आई एक महिला की मौत हो गई, जिसका प्रशासन ने ताबड़तोड़ रतलाम के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करवा दिया। मृतिका जावरा निवासी शांतिबाई माली है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर परिवार को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर सवाल खड़े कर दिए। वहीं मानव जीवन के अंतिम समय में भी अपनी अमानवीयता उजागर कर दी है। मृतका शांतिबाई के पुत्र राकेश माली का आरोप है कि मां के अंतिम संस्कार में शव वाहन के साथ गए कर्मचारियों ने चिता में PPE किट तक डाल दी, जो गलत है। राकेश माली जी, यावरा में गुरु नानक मोहल्ला। क्या समस्या हो गई, क्या घटना? वहाँ पे रतलाम में गए हम, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज से मम्मी के मतलब मुँह नहीं देखने थे उन्हें, और बॉडी भी हमें सही सेट होने मतलब आए और जला दी उन्होंने डायरेक्ट वहीं को, ना मुँह देख रहे थे। मम्मी का जैसे हमने ट्रीटमेंट करवाया था वहाँ पे, ना तो ट्रीटमेंट करा उन्होंने सही सेट, ना कोई दवाई गोली कुछ भी इंजेक्शन नहीं, ना तो हमें मिलने दिया, ना ही हमारे से कोई बातचीत करनी थी डॉक्टरों ने, ना कोई जवाब सही दिया, कब मरी कब नहीं मरी हमें मालूम ही नहीं पड़ने दिया उन्हें। खबर भी लेट आई हमारे 7 बजे हमारे जमाई साहब द्वारा। क्या नाम था उनका? जमी साहब का नाम राकेश मेवाड़ा। उनका नाम क्या था जिनकी डेथ हुई है? शांति भाई। क्या कोरोना पॉजिटिव थी? कुछ भी नहीं था उन्हें, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव थे, और कुछ भी बीमारी नहीं थी उन्हें, सिर्फ सांस में तकलीफ थी उनके। क्या चाहते हैं सरकार से आप? यही चाहते हैं हम, मांग के हम थोड़ा रिपोर्ट चाहिए हमें उनके, वहाँ की 2 बार रिपोर्ट भी दी नहीं उन्होंने, पहली बार जब ले गए थे जब भी रिपोर्ट नहीं दी उनको। इस मामले में पंडित संजय शिवशंकर दवे का कहना है कि 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार पवित्र होता है, इसमें इस तरह की चीजें डालना धर्म के मुताबिक गलत है। जी, कल एक रतलाम शहर में मामला हुआ है जिसमें एक महिला का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया। इसमें देखने में आया कि चिता के ऊपर PPE किट और ग्लव्स वगैरह आदि कर्मचारी द्वारा फेंके गए, ये धर्म के मुताबिक सही है या गलत है? देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत 16वां संस्कार मुख्य होता है अंत्येष्टि क्रिया, है ना। अंत्येष्टि क्रिया जो संस्कार होता है, एक वैदिक संस्कार होता है, इसके अंतर्गत शव को पवित्र माना जाता है, देवतुल्य पवित्र माना जाता है। उसके पूर्व सनातन धर्म के अंतर्गत उनके परिजन जो होते हैं, जो उनका पुत्र होता है, वो स्नान करके अपने आप को, शव इतना पवित्र होता है कि व्यक्ति खुद अपना स्नान करके अपने आप को पवित्र करके ही शव को हाथ लगाता है और उसको स्नान कराया जाता है। और शव को जब वहाँ पर चिता पर रखा जाता है तो उसमें देव की आहुतियाँ दी जाती है, उसमें विशेष तौर से चंदन, खेर, कपास, प्राचीन समय पे तो औषधियाँ युक्त जो लकड़ियाँ होती थी उनसे चिता का निर्माण किया जाता था, क्योंकि व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जो जीवन है इस देह के साथ में अपनी यात्रा को पूर्ण किया तो उसको विदाई दी जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रशासन ने जो करा है कि वहाँ पर देखने में आया कि स्वास्थ्यकर्मी जो है, जो किट जो है, अपना किट उतार कर शव के ऊपर डाल रहे, बहुत ही निंदनीय है। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की जो स्थितियाँ जो अभी देखने को मिली है, ये बहुत निंदनीय है, ये दयनीय है, मतलब हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से। चिता में किट डालना और बिना बताए प्रोटोकॉल की आड़ में अंतिम संस्कार करना प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। यस सर, बताएं सर, क्या क्या मामला है, ये किस तरह से ये जलती हुई चिता पर PPE किट और ये फेंके गए, कौन कर्मचारी थे और कौन इसके लिए दोषी है? ये हमारे को भी समाचार के माध्यम से पता चला और समाचार में छपा है कि नगर निगम के कर्मचारी द्वारा ऐसा काम किया गया है। मेरे
पता लगाने पे ये स्पष्ट हुआ कि नगर निगम कर्मचारी कभी किसी प्रकार का दाह संस्कार नहीं करते हैं और ना ही इनके द्वारा किया गया है। उसमें जो भी दाह संस्कार करने वाले आते हैं तो यदि संदिग्ध है तो हॉस्पिटल के लोग आते हैं या तो फिर नॉर्मल डेथ होती है तो उनके परिजन आते हैं, उनके द्वारा दाह संस्कार किया जाता है। नगर निगम के कर्मचारी द्वारा कहीं दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है और ना ही किया गया है। ये लोग कौन थे दोनों कर्मचारी जो दिख रहे हैं फोटो में भी और इसमें? इसमें पता लगाने पे ऐसा मालूम हुआ है कि ये हॉस्पिटल से आए हुए कर्मचारी थे जो वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, उसी में से कुछ लोग हैं जो ये काम किए हैं। क्या इस तरह से ठीक है ये किसी चीज़ का इस तरह से जलाना किताब के ऊपर और ग्लव्स फेंकना? नहीं, इसके लिए तो एक अलग यूनिट बंजली में बनाई गई है, जिस तरह से ये जो संक्रमित चीज़ें हैं उसमें उसको जलाया जाता है, इस तरह से लाश के साथ में इसको फेंकना उचित नहीं है। नगर निगम की लापरवाही के नज़ारे प्री मानसून में ही सामने आ गए, जब नगर निगम स्वामित्व वाले मार्केट का छज्जा भरभरा कर गिर गया। गुरुवार शाम को भुट्टा बाजार स्थित निगम के मार्केट का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन दो दिन पहले इसी मार्केट की एक दुकान का छज्जा गिरा था जिसका सबक नगर निगम ने नहीं लिया था। इस तरह दो दिन पहले नेहरू स्टेडियम की भी दीवार गिर चुकी है। मामूली सी बारिश में छज्जा गिरना या दीवार गिरना निगम की इमारतों का कमजोर होना ही साबित करता है। वहीं चल रहा नवनिर्माण भी घटिया होने की संभावना जताता है। मानसून दहलीज पर खड़ा है, लेकिन नगर निगम ने अब तक जर्जर मकानों को चिन्हित तक नहीं किया है। खतरनाक मकानों पर सूचना कब लगेगी? ऐसे मामलों में निगम बेपरवाही है जो स्वयं हादसों को न्योता दे रहा है। प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भाजपा हाईकमान से निर्देश मिलने के स्वीकृति वाले ऑडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र के खिलाफ रतलाम में कांग्रेसियों ने आज शहर कांग्रेस के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के मौके पर विधायक हर्ष विजय गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा, महिला कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन सेरानी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बरावा प्रमुख रूप से मौजूद थे। ज्ञापन के पूर्व कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि यह भाजपा द्वारा प्रजातंत्र की हत्या की गई है। भाजपा की कथनी और करनी क्या है, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वायरल हुए ऑडियो से खुद उजागर हो गई है। रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी एवं रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम यहाँ पर विरोध स्वरूप ज्ञापन देने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। रतलाम के सभी कांग्रेसजन, सभी लोग इस बात का कठोर विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने धनबल से जो अवैध रूप से कमाया वो धनबल है, उस धनबल के आधार पर प्रजातंत्र की हत्या करने में लगातार जुटी हुई है। आज आप लगातार देखिए मध्य प्रदेश की एक जनहितैषी सरकार जो कमलनाथ के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए जा रहे थे, काफ़ी जनता के फायदे हो रहे थे, उस सरकार को जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को जिस प्रकार से जिस हथकंडे के द्वारा गिराया गया, पैसे के धनबल के आधार पर, लालच के आधार पर, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस बात की स्वीकृति हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है जो केंद्र से चला है, लेकिन आज इस बात से साबित हो गया है क्योंकि उसकी स्वीकृति खुद शिवराज सिंह ने उसकी स्वीकृति अपने कार्यों के दौरान कही है। तो इस बात का हम विरोध करने यहाँ पर आए हैं। देश का प्रजातंत्र जिंदा रहे, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जिंदा रहे, हमारी यही भावना है। इसी का विरोध स्वरूप हम यहाँ पर आज महामहिम के नाम ज्ञापन देने प्रस्तुत। तेज हवा और आंधी से एक बड़ा पेड़ कुटिया पर गिर गया, जिससे कुटिया में रहने वाली एक वृद्ध महिला कुटिया के भीतर ही फंस गई। इस वृद्ध महिला को दो युवकों ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। यह घटनाक्रम है कॉलेज रोड स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर का। मंदिर के समीप एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया में एक वृद्ध महिला निवास करती है। गुरुवार के शाम को शहर में चली तेज हवा और आंधी के कारण मंदिर परिसर में खड़ा एक पेड़ कुटिया पर जा गिरा। पेड़ गिरने से कुटिया के भीतर रह रही वृद्धा फंस गई। वृद्ध महिला के कुटिया में फंसने की खबर दो युवकों को लगी। ये दोनों युवक चमन मारू और अंकुश सोलंकी इस वृद्ध महिला को कुटिया के बाहर निकालने के लिए भिड़े। काफी मेहनत के बाद दोनों युवकों ने वृद्धा को सकुशल बाहर निकाला। वृद्धा पूरी तरह से ठीक थी। आओ नीने, ना 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 ना। आजा धीरे से, सीधा में ना। रुको 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 भाई। जा जी जा जी जा जी। इसपे पैर रख कर रखो। आओ धीरे से आओ। हाँ भैया।
निकल जाओ ना, निकल जाओ ना, धीरे से अभी वाला पैर उठाना, ऊपर रखो, निकालो, ये खड़ा मत करो, खड़ा मत करो, खड़ा मत करो, नीचे 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 बैठ के निकलो, बैठ के, ओ जाजी जाजी ऊपर वाला को देखना है नहीं। चमन मारू, क्या हुआ था अमरेश्वर माता मंदिर पर? ये आंधी तूफान आया था, उससे झाड़ पूरा गिर चुका था। ये अम्मा कहाँ रह रही थी जो आपने निकाला? मंदिर की खोली में रहते हैं, बेसहारा है, इनका कोई भी नहीं है। अच्छा, ये यही रहते हैं। तो अंदर अंदर से आप लोगों ने निकाला इनको? हाँ, अभी हमने निकाला इनको। क्या नाम है आपका? चमन मारू। आपके साथी कौन? नाम बताओ। अंकुश सोलंकी। अंकुश सोलंकी, भैया कितनी देर हो गई थी इनको? जावरा पुलिस ने राजस्थान के एक व्यापारी की कार से 58 लाख रुपए जब्त किए। व्यापारी इन रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने व्यापारी और कार चालक को छोड़ दिया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दी है। जावरा पुलिस को कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि रतलाम से मंदसौर की ओर जा रही एक काले रंग की कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से चांदी ले जाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने जावरा चौपाटी पर वाहनों की चेकिंग की। इस चेकिंग में एक काले रंग की कार को पकड़ा तथा थाने लेकर आए। कार की तलाशी में कार में चांदी की बजाय एक विशेष चेंबर में रखे 58 लाख रुपए मिले। पुलिस ने कार में सवार राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी अनाज एवं सराफा व्यापारी सुलभ पिता हेमंत जैन और कार चालक हिम्मत सिंह निवासी ग्राम सारडा जिला उदयपुर से पूछताछ की। व्यापारी रुपयों के बारे में कोई सही जानकारी एवं प्रमाण नहीं दे सका। पुलिस ने रुपए जब्त कर व्यापारी और कार चालक को छोड़ दिया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखा है। क्षेत्र में आज सुनने में आया कि कोई वाहन को रोका गया था चांदी की शंका में, क्या था बुरा मामला? हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रतलाम तरफ से एक गाड़ी आ रही काले रंग की अर्टिगा, उसमें अवैध चांदी लेके दो लोग आ रहे हैं। वो मुखबिर सूचना पर हमने चेकिंग पॉइंट लगाया, गाड़ी को रुकवाई। वो गाड़ी RJ09VA8106 नंबर की गाड़ी को रोका, दो लोग बैठे हुए थे और गाड़ी की तलाशी लेना शुरू की, वो कुछ नहीं मिला। संदेह होने पर थाने लेके आए, थाना परिसर में उसको अच्छे से तलाशी ली उसकी, तो सीट के नीचे से 58,50,000 रुपये नकदी मिले हैं जो हमने जब्त कर लिए हैं। और जो दो लोग हैं जिनके पास ये राशि जब्त हुई है, उसमें जो चालक था उसका नाम हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, ये निवासी है सराड़ा तहसील जिला उदयपुर राजस्थान का। और जो व्यापारी उसमें था उसका नाम है सुरलभ पिता हेमंत जी जैन, ये निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। तो दोनों से राशि जब्त कर ली है और इनको दोनों को छोड़ दिया है और आगे जांच की जा रही है। किस तरह के नोट थे इसके अंदर? 2000 के थे, 500 के, किस तरह से थे? इसमें दो नोट 2000 के मिले हैं और बाकी नोट 500 के हैं, कुछ नोट इसमें 200 के भी हैं। मतलब ठोस कुछ जवाब नहीं दे पाए कि किस तरह से, कौन सा व्यवसाय, क्या कुछ काम बता रहे हैं? व्यवसाय ये बता रहे हैं कि कुछ अनाज के व्यापारी हैं और कुछ इसमें बताए कुछ काम, ये सोना चांदी से संबंधित भी व्यापार करते हैं। कितने लोग थे? दो लोग थे, एक ड्राइवर है और एक वाहन मालिक।